हेलो, मेरा नाम है उज्ज्वला नंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और डिफरेंट चीज़ें जो बची हुई है डाइजेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम का हम पार्ट वन वीडियो देख चुके हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इस पार्ट में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी है, ये आप एक बार देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हमने पूरी पढ़ ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड में टोटल जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये टोटल 6 इन नंबर होती है। टोटल 6 होती है नंबर्स में, एंड 3 पेयर्स होती हैं इसके। 3 पेयर होते हैं या 6 नंबर होती है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब इसके टाइप जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, वो होते हैं, एक होता है पैरोटिट। इसकी खासियत क्या है, इस सलाइवरी ग्लैंड की खासियत क्या है, ये होता है लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा होता है ये, और लीस्ट सलाइवा प्रोड्यूस्ड। ये ज़्यादा तो होता है, बट सलाइवा जो आपके मुंह में बनता है, सलाइवा, वो सबसे कम इससे निकलता है, पैरोटिट से, ठीक है। एक और जो टाइप है सलाइवरी ग्लैंड का, जो 3 पेयर होते हैं और टोटल 6 इन नंबर्स होते हैं, एक होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आपको जानना है। इसके बाद जो है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है ये, स्मॉलेस्ट होता है, साइज में छोटा होता है ये, बट मैक्सिमम सलाइवा जो होता है वो यहीं से बनता है। मैक्सिमम सलाइवा प्रोड्यूस्ड किससे, सब लिंगुअल से मैक्सिमम सलाइवा बनता है, सब लिंगुअल से मैक्सिमम सलाइवा बनता है, ठीक है। तो वन डे में, 24 आवर्स में, लगभग 1 से 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है। एक दिन में लगभग हमारा जो ये ग्लैंड है वो इतना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जो नेचर ऑफ सलाइवा है, नेचर ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा का नेचर है वो हल्का सा एसिडिक इन नेचर होता है। तो जनरली सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8, तो लिटिल एसिडिक होता है, 6.8 के आसपास होता है। अब जो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा है, कि सलाइवा बना किससे होता है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो जो सलाइवा जनरली बना होता है वो वाटर से बना होता है प्लस एंजाइम्स, ये मेन चीज़ है। इसको आपको थोड़ा देखना है अभी। जो सलाइवा बना होता है वो 90% वाटर होता है और एंजाइम्स होते हैं। तो सलाइवा में जो मेन एंजाइम्स होते हैं, हम वो देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स इन सलाइवा। जो थूक होती है आपकी, उसमें इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मेन आपको याद रखने में, वो लिखाता हूँ। एक होता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। इसकी खासियत क्या है, इस सलाइवा की खासियत, इस सलाइवा में एंजाइम की खासियत क्या है, ये जो होता है, ये होता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है,
इसके कारण, इस लाइजो एंजाइम के कारण जो बैक्टीरिया होता है उससे हमको बचाता है ये एंजाइम। लाइजो एंजाइम बैक्टीरिया को रोकता है, एंटीबैक्टीरियल है ये, ठीक है। सेकेंड जो है सलाइवा में एंजाइम वो होता है टाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन करता है डाइजेस्ट स्टार्च को, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है C6H12O5, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टार्च है इसको डाइजेस्ट करता है। मींस स्टार्च का जो डाइजेशन है, मींस डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन माउथ, ठीक है। मींस डाइजेशन जो होता है वो माउथ से शुरू हो जाता है। अब जो स्टार्च होता है वो एक्चुअली होता क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। स्टार्च होता क्या है, देखिए स्टार्च जो होता है इट इज अ पॉली साइकेराइड, ये पॉली साइकेराइड होता है। जनरली आप स्टार्च ऐसा समझ लीजिए जो आउटर लेयर ऑफ जो ग्रेन्स होते हैं ना, उसकी आउटर लेयर जो होती है ना वो यही होती है, आउटर लेयर जो होती है वो यही होती है। अब देखिए जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड जो होता है वो स्टार्च होता है। हम अलग अलग तरह से सैकेराइड को डिवाइड करते हैं, वो अभी आपको यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट के बारे में अलग से जब पढ़ेंगे। ये तो डाइजेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको अलग से उसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, जब फूड में जो आपने खाना खाया है जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको एक स्पेशल एक नया टर्म देते हैं, बोलास। कौन सी आस, बोलास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, फूड में अब सलाइवा मिक्स हो गया, वो जो एंजाइम्स थे वो मिक्स हो गए और उसमें जो टाइलिन था उसने डाइजेस्ट किया स्टार्च को, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है डाइजेशन में। अब इसके पास क्या आता है, इसके बाद जो आता है अगला, हमने माउथ के बारे में लगभग पूरा चीज़ पढ़ लिया, हमने समझ गए आप। माउथ हमने जो पहला टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने टीथ पढ़ लिया, उसमें हमने टंग पढ़ लिया, पेपली पढ़ लिया, ग्लैंड्स पढ़ लिया, जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं 6 नंबर में होते हैं, पेयर में 3 पेयर होते हैं, पेयर में 3 होते हैं। अब जो हम सेकेंड पढ़े थे माउथ के बाद, जो सेकेंड था आपका वो क्या था, एसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस हमने पढ़ा था। एसोफेगस क्या होता है, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, एसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ये क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, इसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे नो डाइजेशन प्रोसेस फाउंड, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक पाइप है जो कनेक्ट करती है, ठीक है। इसका सिर्फ जो काम होता है एसोफेगस का वो वर्क ओनली टू सेंट फूड टू स्टमक, फूड बोल लीजिए, बोलास बोल लीजिए, स्टमक, स्टमक ये स्टमक में भेजने के काम आती है सिर्फ, ठीक है। ईसोफेगस में इतना ही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए फूड पर ईसोफेगस को बोलते हैं। अब थर्ड जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, स्टमक, स्टमक जो स्टमक होता है उसका साइज लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक ठाक साइज उसका होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूँ स्टमक के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ देता है। शेप ऑफ स्टमक,
जो स्टमक का शेप होता है वो सी शेप्ड होता है, पहला पॉइंट स्टमक का शेप होता है सी शेप्ड, ठीक है। और जहां पे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन फूड मटेरियल स्टेज इन स्टमक, सबसे ज़्यादा देर के लिए जो खाना है वो स्टमक में ही रहता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखाने से पहले मैं एक बार स्टमक का डायग्राम बना दूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये जो है, ये जो फूड यहां से आ रहा है, दिस इज एसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है, दिस इज स्टमक, स्टमक, स्टमक के जो ऊपर होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है स्टमक का, स्टमक का जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक, ये स्टमक का पोर्शन है। स्टमक का जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फंडस, ये फंडस जो सबसे फैला हुआ आपको दिख रहा है फंडस, कार्डियक सबसे ऊपर वाला फंडस, यहां वाला, यहां पे एक और होता है, यहां पे ये जो एंड दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं पिलोरस, पिलोरस, ये तीन जो होते हैं स्टमक के पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से, ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाता है। और देखिए यहाँ पे लीवर होता है आपका कुछ इस तरह से, और नीचे उसके होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, दिस इज लीवर, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जूस होता है जो कि होता है बाइल जूस, ये आपका यहाँ पे आके स्टमक में कनेक्ट होता है, बाइल जूस, यहाँ से बाइल जूस आपका मिलता है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है जो गॉल ब्लैडर में जमा होता है और वहाँ से ये यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं, हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो ये आपको मैं वहाँ लिखवाऊंगा भी, उसको हम क्या बोलते हैं, डियोडेनम, डियोडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन लिखाऊंगा तो मैं आपको ये चीज़ लिखाऊंगा, स्टमक ये तीनों पार्ट हैं। तो अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, टॉप मोस्ट जो पार्ट है ऑफ स्टमक वो क्या है, कार्डियक, ये तो आपको दिख रहा है। लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो है पिलोरस, या इसको पिलोरिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इन बिटवीन क्या था, स्टमक के इन बिटवीन क्या है, फंडस, इन बिटवीन फंडस है, और ये सबसे बड़ा होता है, वो डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि जो फंडस है वो सबसे मोटा या गूदेदार होता है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट कुछ यहाँ से ये देख लेते हैं, जो एसोफेगस है अटैच्ड टू, तो मैं ऊपर ही आपको ये दिख रहा होगा, ये जो एसोफेगस है ये यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, कार्डियक से, तो किससे कनेक्टेड है एसोफेगस, कार्डियक से। सिमिलरली डियोडेनम से
जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अटैच किससे होती है, ये होता है पिलोरस। पिलोरस यहां तक क्लियर हो गया। ये हमने स्टमक का बेसिक्स देख लिया कि किस उसके पार्ट्स कौन से थे, क्या चीज कहां से आके मिल रही है। अब स्टमक में ही एंजाइम्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो एंजाइम्स इन स्टमक, देखिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, HCl होता है आपके पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हम ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव एसिड। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डाइजेस्टिव एसिड कौन सा होता है, तो वो HCl होता है, डाइजेस्टिव एसिड HCl होती है, याद रखिए आप इस चीज को। सेकंड, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस अगर मैं आपसे पूछूं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं तो आपको थोड़ा डीप में ही पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, तो वो स्टमक में होता है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, स्टमक में, HCl भी स्टमक में मिलता है। तो गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसमें दो एंजाइम्स होते हैं मेनली, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन, ठीक है। तो जो रेनिन है और पेप्सिन है, इसकी खासियत क्या होती है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको नाम याद होने चाहिए। देखिए जो रेनिन है आपका, रेनिन, इसका काम होता है, रेनिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ऑफ मिल्क प्रोटीन। देखिए रेनिन ना पहले इनएक्टिव फॉर्म पे होता है, पर जब आप मिल्क पीते हैं तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके एक्टिव रेनिन बन जाता है और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन किस नाम से होता है, मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको हम कैसीन बोलते हैं, मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको हम कैसीन बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, वहीं पे पेप्सिन करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को तो रेनिन करता है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। देखिए पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, जो नॉर्मल प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये करता है पेप्टोन में, पेप्टोन में। जो नॉर्मल प्रोटीन होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो होता है ये सेमी सिंपल, अभी पूरी तरह से सिंपल नहीं हुआ है पेप्टोन, पेप्टोन टोटली आपका जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ है अभी तक। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक, और वो भी किसकी हेल्प से, गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स है रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। यहाँ तक ठीक हुआ, आपको क्लियर हो गया। अब आप एक बताइए मुझे कि यहाँ पे फूड बिकम एसिड बाय एडिंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो एसिड है ना HCl, तो काफ़ी अच्छा लेवल का ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो फूड जो है एसिड बन जाएगा। अब देखिए हमारी जो बॉडी इस तरह से बनी है, भगवान ने ऐसी बनाई है कि
हर चीज़ सेट हो जाती है। कैसे? देखिए, स्टमक में HCL है तो जो खाना है वो एसिडिक हो गया, अब ठीक है, पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो फूड है वो सिर्फ बेसिक एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड एक्सेप्ट करेगा ना स्टमक से, वो सिर्फ बेसिक इन नेचर का होना चाहिए। तो एसिडिक फूड को बेसिक फूड बनाने के लिए हमारे को बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है जो कि लीवर से निकलता है। फिर से मैं लिखाता हूँ और अब आप फिर से एक बार समझिए। अब अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन फोर्थ, देखिए यहाँ पे मैं लिखाता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को ओनली एक्सेप्ट फूड, ओनली एक्सेप्ट फूड विच इज बेसिक इन नेचर। अब इसी बेसिक को मैं हेडिंग इसको लेके यहाँ पे आपको लिखाता हूँ बाइल जूस के बारे में। तो यहाँ पे मैं लीवर डालता हूँ ताकि आपको समझ आए कि बेसिक जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। बेसिक होता है लीवर से, क्या निकलता है? बाइल जूस। ये भी क्वेश्चन है, बाइल जूस जो कि बेसिक इन नेचर होता है। लगभग इसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि बेसिक इन नेचर है, तो 7.7 के होता है आसपास, ठीक ठाक बेसिक। ठीक है, लीवर जो होता है ना आपका, इसमें एक खासियत और होती है, ये सिंथेसाइज करता है विटामिन के को। ये यहीं लिख लीजिए, जितने बार आप देखेंगे इस चीज़ को आपका एक नंबर कंफर्म होता जाएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के को लीवर कौन सिंथेसाइज करता है, तो आंसर है लीवर। अब देखिए लीवर में मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ डायग्राम। ये लीवर हो गया आपका, ये नीचे गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर, और ये क्या है? लीवर। ठीक है, तो लीवर, गॉल ब्लैडर का क्या काम है? गॉल ब्लैडर का काम है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस फ्रॉम लीवर। लीवर जो आपका बाइल जूस बनाएगा उसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। यहां तक क्लियर हो गया? गॉल ब्लैडर और लीवर में चीजें हमने लिख भी लिया कि कौन सा है उसमें होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइप हैं, मतलब जो पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे हमने स्टमक में पढ़ा था, तो एक होता है ड्यूओडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम, इलिलम। इस सीरीज से होते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा होता है? डियोडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं कि इनमें खासियत क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डियोडेनम को, डियोडेनम देखिए, डियोडेनम में बाइल जूस मिक्सेस हियर। अब इसके कारण क्या होता है? जो फूड जो एसिडिक होता है वो बन जाता है बेसिक, बन जाता है बेसिक। यहीं पे पैन क्रिएटिक जूस मिक्सेस, इस लाइन को भी आप भूल जाइए। जब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और पैनक्रियास को अलग से समझाऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। इतना चीज़ हो गया। अब एक है जेजुनम, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो अगला है इलीलम,
इसमें ये है, इट सेक्रीट्स इंटेस्टाइन जूस, ये नया आया है जूस, जो इंटेस्टाइन जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, और अगर एक डीपर क्वेश्चन आ जाए तो इलियम से निकलता है। चलिए रिपीट करिए, इंटेस्टाइन जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, कौन से पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इंटेस्टाइन जूस के बारे में हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। देखिए इंटेस्टाइन जूस के बारे में सबसे पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, ये तो ठीक बात है। वन डे में ये लगभग 2 लीटर्स निकलता है, एक दिन में 2 लीटर। सबसे ज्यादा कोई जूस निकलता है ना तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन जूस ही निकलता है। इस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो आपको पता होना चाहिए, वो है इरिप्सिन। इरिप्सिन ये एंजाइम है, इसका काम क्या होता है, ये भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। देखिए हमने शुरू किया था किससे, माउथ में स्टार्च, दैट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का शुरू हुआ था माउथ में, उसके बाद स्टमक में हुआ प्रोटीन का। अभी तक फैट की बात हमने नहीं की है, आगे फैट का डाइजेशन भी होगा क्योंकि तीनों का डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आखिरी में मैं एक डाइजेशन का पूरा डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं पूरा लिखवा दे रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं डाइजेशन का पूरा वो बनाऊंगा। इसको कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहते हैं, कोलन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है वो देख लेते हैं। कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, जो यहां पे आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है वो, उसको हम इस जगह को बोलते हैं जहाँ वो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं सीकम। ये आपसे पूछता है कई बार, सीकम। ठीक है, असेंडिंग हो गया। फिर ये जो निकला हुआ पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं रेक्टम। अभी लिख लीजिए, इसका काम मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये यहां से निकलता है एनस, तो ये एनस। ठीक है, ये दो सीकम और रेक्टम आपको याद होना चाहिए। तो सीकम में क्या होता है लिख देता हूं मैं यहां पे, सीकम की खासियत क्या है, सीकम, सीकम की खासियत है ये कंजंक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये कंजंक्शन पॉइंट है दोनों का। ठीक है, अब हमने सीकम देखा, रेक्टम में देख रहा हूं, रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, इट इज द स्टोरेज ग्लैंड ऑफ ये स्टोरेज ग्लैंड है
वेयर वेस्ट फूड स्टोर्ड स्टोर्ड सीकम और रेक्टम क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? ये होता है स्टोरेज ऑफ वाटर, या वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ने एक डायरिया सुना है? डायरिया, ठीक है। क्या डायरिया? ये क्या करता है? डैमेज करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन डायरिया से डैमेज होता है। तो ओआरएस घोल वगैरह हम देते हैं जिसमें नमक शक्कर वगैरह होता है ना, तो उससे ठीक हो जाता है। एक छोटा सा चीज़ है ये, यहाँ कहीं अपेंडिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स। इसमें भी छोटा, जब सब लिख ही रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, अपेंडिक्स। इसकी क्या खासियत है? इसकी कोई खासियत नहीं है, यही इसकी खासियत है। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं कॉल्ड वेस्ट या रेसिडुअल ऑर्गन। इसके ना होने से भी कोई दिक्कत नहीं है आपके शरीर में। तो यहां तक था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक छोटी सी चीज बस बच गई है पैनक्रियास के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के पढ़ाने के पहले मैं बस एक डायग्राम बना देता हूँ ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। ओके, तो एक प्यारा सा डायग्राम हम बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आप भी धीरे धीरे बनाते रहिए मेरे साथ। एक एक करके फिर हम लास्ट में नाम लिख देंगे इसका, ठीक है। देखिए ये क्या था आपका? ये एसोफेगस था, एसोफेगस। ये स्टमक था आपका, ये लीवर था, ये गॉल ब्लैडर था। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमको एक मेन चीज देखनी है, वो अभी मैं आपको ड्रॉ करने वाला हूँ।
वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। दिस इज पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है, दिस इज पैनक्रियाज, यही पैनक्रियाज है जिसके बारे में हम लिखने वाले हैं, पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। पैनक्रियाज का लोकेशन भी आपको समझ आ गया, तो अब पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये लास्ट है आपका इस टॉपिक का। पैनक्रियाज सबसे पहला बात, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी, क्लियर हो गया। तो अगर आपके दिमाग में अभी तक ये नहीं आया कि सबसे बड़ा कौन सा होने वाला है, फिर आप रोबोट हो। तो सबसे बड़ा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे बड़ा ग्लैंड, मैं टाइप नहीं लिख रहा हूँ, मैं ओवरऑल सबसे बड़ा ग्लैंड लिख रहा हूँ, लीवर है, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है ये। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, मैं बाद में ये बताऊंगा कि मिक्स्ड ग्लैंड मतलब क्या होता है। देखिए मिक्स ग्लैंड, जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मिक्स ग्लैंड। अभी आप मिक्स ग्लैंड का मतलब समझ लीजिए, मिक्स ग्लैंड वो होता है जो कि सिक्रीट करता है बोथ, क्या क्या दोनों सिक्रीट करता है, एंजाइम्स भी, ये एंजाइम को भी सिक्रीट करता है, ये एंजाइम को भी सिक्रीट करता है, और ये साथ में आपके हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। मिक्स्ड मतलब ये होता है कि एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करता है। तो धीरे धीरे लिख लेते हैं, फिर पूरा डिटेल में तो हम पढ़ ही लेंगे इसको। इसका जो स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियास का, स्ट्रक्चर जो होता है इसका इज लाइक अ लीफ, आपको दिख ही रहा होगा कि पत्ती के जैसा दिखता है, इज लाइक अ लीफ, लीफ की तरह दिखता है। ये सराउंडेड बाय डियोटेनम से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंजाइम सेक्रीट करता है उसका एक छोटा सा ट्रिक है, डायरेक्टली उसको ट्रिक को भी याद कर ली सकते हैं एंजाइम। तो ये जो ट्रिक है ये मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको याद रखना चाहिए, लेट, लात आप करके याद कर सकते हैं, एल से होता है लाइपेस, ए से होता है एमाइलेज, एमाइलेज, और टी से जो होता है आपका इस, ये जो टी से होता है ट्रिप्सिन, टी से होता है ट्रिप्सिन, ये तीन होता है लात, लात करके आप याद कर लीजिए, पैनक्रियास से निकलता है। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, क्यों अभी हम नीचे देख लेंगे। ये जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस में निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, इसका पीएच जो होता है वो बेसिक होता है 8.3 के आसपास, इसका पीएच होता है पैनक्रियाटिक जूस का, बाइल जूस का होता है 7.7। अब सबसे पहले हम देखते हैं लाइपेस, लाइपेस, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीन हमको देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइपेस को, ठीक है, लाइपेस, ओके। लाइपेस क्या होता है, अब लाइपेस में फैट का डाइजेशन होता है, फैट डाइजेशन, तो फैट से
ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैट से फाइनली जो सबसे लास्ट में डाइजेस्ट जो होता है वो फैट होता है, और आखिरी में क्या बनता है, फैटी एसिड। तो जो फैट होता है वो सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है, आपको दिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो स्टमक में, और कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में होता हुआ था, सबसे लास्ट डाइजेशन फैट का। यहाँ तक लाइपेज में ठीक है। अब सेकेंड क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज में स्टार्च का डाइजेशन होता है फिर से। सेकेंड टाइम अगर आप भूल गए होंगे तो स्टार्च का फर्स्ट टाइम जो डाइजेशन था वो किसने किया था, टाइलिन ने, माउथ में, माउथ में, माउथ का सलाइवा एंजाइम है ये। फिर है ट्रिप्सिन, 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 यहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन का किस सीरीज में डाइजेशन होता है, देखिए आप, प्रोटीन, फिर होता है प्रोटो, प्रोटियोजेस, फिर होता है पेप्टोन। ये पेप्टोन तो आपने पेप्सिन में सुना होगा, स्टमक में। फिर होता है एमिनो एसिड, ये आपको याद होना चाहिए, एसिड, एसिड। कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है सबसे लास्ट जो फाइनल स्टेज होता है वो एमिनो एसिड होता है, और फैट का फैटी एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन का डाइजेशन और फैट का फैटी एसिड। तो अब हमने सब चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया है और इस टॉपिक को भी डाइजेस्ट कर लिया है आपने फाइनली। तो ये हमने शुरू किया था यहाँ से, आप देख सकते हैं ठीक ठाक लेवल में हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखिए ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा नोट्स, माउथ को हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, पेपिली, फिर ईसोफेगस, स्टमक, लीवर वीवर के बारे में हमने देख लिया, एंजाइम्स इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लिया, लीवर को भी एक बार अच्छे से हमने देख लिया, पेनक्रियास को देख लिया, और सारी चीज़ों को हमने डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका ख़त्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि बायोलॉजी आपको थोड़ी सिंपल लगे। मैं डायरेक्टली हाई टर्म्स वाले बॉटनी वोटनी शुरू कर दूंगा तो आप कंफर्टेबल ही नहीं हो पाएंगे सब्जेक्ट में। तो पहले आप कंफर्टेबल हो जाइए, ख़त्म पूरा चीज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, ऑल दी बेस्ट।